देहरादून में आज एपीपी गंगा का महाधिवेशन होने जा रहा है और अब से थोड़ी देर बाद महाधिवेशन की शुरुआत होने जा रही है। इस पर मंच पर उत्तराखंड के सभी सियासी दिग्गज मौजूद होंगे और पहाड़ के विकास के रोडमैप पर चर्चा की जाएगी। वो बताएंगे कि कैसे उत्तराखंड की बदलेगी तस्वीर। और पंकज राणा मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं पंकज, क्योंकि आज देहरादून महाधिवेशन हो रहा है एबीपी गंगा का, तैयारियां दिखाई और कितना वक्त और है जब वहां पर चर्चा शुरू हो जाएगी? जय, देखिए तैयारियां पूरी तरह से पूरी हो गई हैं। मेरे पीछे आप मंच देखेंगे तो एबीपी गंगा का महाधिवेशन का जो मंच है सज चुका है। उत्तराखंड की राजनीति का सबसे बड़ा मंच आज एबीपी गंगा के महाधिवेशन पर सजने जा रहा है। अब बस इंतजार हो रहा है नेताओं का, जब एबीपी गंगा के महाधिवेशन में तमाम जो नेता है वो पहुँचेंगे और उनसे उत्तराखंड के विकास के मुद्दे पर बातचीत की जाएगी। क्या एजेंडा उनका रहने वाला है आगे के दिनों में, उस पर चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री से लेकर सभी कैबिनेट मिनिस्टर और विपक्ष के तमाम जो दिग्गज नेता है वो इस मंच पर कुछ देर बाद पहुँचने वाले हैं। एक एक करके अलग अलग तरह से सभी नेताओं से बातचीत की जानी है और मंच देखिए पूरी तरह से सज चुका है। बस अब इंतजार है उन नेताओं का, जब वो जो नेता यहाँ पहुंचेंगे उनसे विकास के मुद्दे पर बात की जाएगी। सबसे पहला जो एजेंडा तय किया गया है वो किया गया है उड़ान का, महिलाओं से, महिला किस तरह से उत्तराखंड में महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर और किस तरह से आगे महिलाओं के रोडमैप के लिए, विकास के लिए किस तरह सरकार आगे तमाम चीज़ें करने जा रही है उस पर बातचीत की जाएगी। और ये देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि उत्तराखंड में चुनाव जब हुए थे 2022 के जो चुनाव हुए हैं उसके बाद एबीपी गंगा पर सबसे पहला यह राजनीति का सबसे बड़ा मंच सजने जा रहा है। अभी तक किसी भी चैनल पे इस तरह का बड़ा मंच चुनावों के बाद नहीं सजा है। उत्तराखंड के राजनीति के इतिहास की बात कहें या कहें या यूं कहें कि एक जो परिचर्चा की जानी है तमाम लोगों से, तमाम उत्तराखंड के राजनेताओं से, मुख्यमंत्री से, कैबिनेट मिनिस्टर से, विपक्ष के लोगों से, तो वो एजेंडा यहाँ वो रखने वाले हैं। 100 दिन सरकार के होने वाले हैं राज्य, जब सरकार का नई सरकार का उत्तराखंड में गठन हुआ था चुनावों के बाद 2022 के बाद, उसके बाद 100 दिन का क्या रोडमैप सरकार ने तैयार किया है, किस तरह से आगे की विकास कार्यों को लेकर चला जाना है सरकार को लेकर, उन तमाम बिंदुओं पर इसी मन से आज चर्चा की जाएगी। और जनता सीधे सवाल करेगी और सीधे ये जानकारी भी लेगी कि किस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उनके मिनिस्टर ने किस तरह से आगामी विकास का एजेंडा राज्य के लिए तैयार किया है। और सबसे बड़ी बात ये रहने वाली है क्योंकि विपक्ष एक महत्वपूर्ण भूमिका राज्य के विकास में निभाता है, तो नेता प्रतिपक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के और तमाम महिला मोर्चा की जो अध्यक्ष हैं वो इस मंच पर रहेंगी, उनसे जानकारी भी लेंगी, वो सरकार को क्या अपनी तरफ से विकास के लिए एजेंडा देने वाले हैं, क्या उनकी तरफ से तमाम बिंदुओं को सरकार के सामने रखा जाना है, किस तरह से वो विरोध प्रदर्शन आगे करने जा रहे हैं, क्या कुछ एजेंडा उनका सरकार के सामने रखा जाएगा, वो तमाम चीज़ों की बात इसी मंच से आज होने वाली है। तो कुछ देर का इंतजार है, 11:30 बजे के करीब ये मंच सज जाएगा और तमाम जो नेता हैं उनका आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा, विकास के एजेंडे पर उनसे बात की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने 100 दिन का जो कार्यकाल पूरा होने जा रहा है 30 जून को उनका, तो उस दौरान किस तरह से उन्होंने रोडमैप खींचा है, क्योंकि सरकार ने ये दावा, ये वायदा जनता से किया था कि आज जो 100 दिन जब सरकार के पूरे हो जाएंगे तो वो अपना एक रोडमैप तैयार कर लेंगे। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।